अभी हाल में सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 का पेपर हुआ और उसने ये पूछा कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एक्टिनाइड श्रेणी का नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको कहा आपको एक एक एलिमेंट याद होना चाहिए। जैसे एक्टिनाइड श्रेणी से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आना है तो वो जनरली इस तरह का ही क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है एक्टिनाइड श्रेणी के 14 एलिमेंट हैं। अब आप आज अपना, जैसे अपन फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी को सामने रखो, क्योंकि एक एक कॉपी में आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कितना एटॉमिक नंबर है। अब जैसे मैंने तो मेरा तरीका आपको बता रखा है कि हमें कैसे याद करना है, थोड़े पहलवान हमने तो तरीका बता रखा है एक्टिनाइड श्रेणी कैसे याद करनी है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अब हमें तो ये पता है कि एक्टिनाइड श्रेणी के ये 14 एलिमेंट हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से एक्टिनाइड श्रेणी का कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहला एलिमेंट है थोरियम। अब आप सबको पता है थोरियम 90 नंबर का है, ये तो एक्टिनाइड श्रेणी का एलिमेंट है। सेकंड नंबर पर दिया यूरेनियम। यूरेनियम आपको पता है कितने नंबर का है, 92। समझ में आ गई बात। कैलिफोर्नियम कितनी ही बार पूछ लिया, अभी हाल में ACF में ऐसे पूछा गया कि कैलिफोर्नियम कौन सी सीरीज का एलिमेंट है, तो कैलिफोर्नियम आपको बता चुका 98 नंबर का, ये भी एक्टिनाइड सीरीज का है। और जो टर्बियम है, टर्बियम TB, ये आपको पता है लैंथेनाइड सीरीज का है। देखो कॉपी में टर्बियम, टर्बियम का एटॉमिक नंबर मैंने बता रखा है TB, और बता रखा है टर्बियम का एटॉमिक नंबर देखो कॉपी में 65 बता रखा हो। टर्बियम कौन सी सीरीज का है, एक्टिनाइड का या लैंथेनाइड का, लैंथेनाइड का। थोरियम 90, यूरेनियम 92, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम का नंबर 98, देखो कॉपी में 98 ही होगा, है या नहीं, 98 एटॉमिक नंबर 98 कैलिफोर्नियम। तो कौन सा रह गया, टर्बियम। और आपको पता है टर्बियम कौन सी सीरीज का है, एक्टिनाइड का नहीं, वो लैंथेनाइड सीरीज का है, क्योंकि 58 से 71 तक के जो एलिमेंट हैं वो आपको पता है लैंथेनाइड सीरीज के हैं, और 90 से 103 तक के जो एलिमेंट हैं वो सब आपको पता है कौन सी सीरीज के हैं, एक्टिनाइड सीरीज के। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन सेकंड, आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो हमारे शीलू, जो हमारे लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट हैं उनमें से 13 एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उनमें से एकमात्र एक एलिमेंट ऐसा है प्रोमीथीमियम, जिसे मैंने कहा था PM, याद रखो PM, प्रोमीथीमियम, जिसका एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता रखा है 61। ये जो प्रोमीथीमियम है वो लैंथेनाइड श्रेणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जो मेन मेड तत्व है, जो मेन मेड एलिमेंट है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता बल्कि आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मानव निर्मित तत्व है। लैंथेनाइड के 14 में से 13 तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होते, एकमात्र प्रोमेथीमियम अकेला संश्लेषित रेडियोधर्मी तत्व है। तो आपसे यही क्वेश्चन अभी हाल में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा ऐसा लैंथेनाइड का लैंथेनाइड है जो प्रकृति में नहीं मिलता। आपको पता है समेरियम मिलता है, सीरियम मिलता है, नियोडीमियम मिलता है, एकमात्र आपको बता चुका प्रोमेथीमियम ऐसा लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है जो आर्टिफिशियल है, मेन मेड है, जो प्रकृति में नहीं मिलता, इसीलिए इसका आंसर RPSC ने क्या दिया है, प्रोमेथीमियम दिया है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन खुद ही बताएंगे, अब उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही देंगे। आपको 1, 2, 3, 4 और 5 आयन दे दिए, ये लैंथेनाइड संकुचन का परिणाम है। हमने पढ़ा था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के जो त्रिधनात्मक आयन हैं उनका परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है, वही चीज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। आपको बता रखा है जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है उसकी साइज तो बड़ी होती है, और जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है उसकी साइज कैसी होती है, छोटी होती है। अपनी कॉपी में निकालो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, अब आपको सबके नंबर याद होने चाहिए। यूरोपियम का परमाणु क्रमांक होता है 63, गैडोलिनियम का 64, टर्बियम का 65, प्रोमेथीमियम का 61, और सिर पर नौ दिए रखकर परमेश्वरी समझाए
समेरियम का 62, समझ में आ गई बात? अरे हाँ यार, प्रोमीथीमियम 61, समेरियम का 62, यूरोपियम का 63, गैडोलिनियम का 64, टर्बियम 65। अब आपको बता रखा है जिसका परमाणु क्रमांक कम है, जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसकी साइज सबसे बड़ी है। इसका मतलब सबसे बड़ा तो इनमें कौन होगा? प्रोमेथीमियम। और सबसे छोटा कौन होगा? टर्बियम। अब देखो अपने सामने दो ऑप्शन हो गए, पहला तो हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता। अब हमें पता है सबसे बड़ा तो होगा प्रोमेथीमियम, उससे छोटा होगा समेरियम, उससे छोटा होगा यूरोपियम, उससे छोटा होगा गैडोलिनियम, उससे छोटा होगा टर्बियम, और ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है? थर्ड। अरे समझ में आया नहीं आया? बोलो आया नहीं आया? नहीं आया, एक बार वापस अपनी कॉपी के अंदर निकालो लैंथेनाइड संकुचन। देखो हाँ, उसकी आयनिक त्रिज्या कम होती है, तो सबसे कम परमाणु क्रमांक प्रोमेथीमियम का है, तो इसकी साइज तो सबसे बड़ी होगी। और सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है? टर्बियम का, इसकी साइज सबसे कम होगी। समझ में? तो सबसे बड़ा तो प्रोमेथीमियम, उससे छोटा समेरियम, उससे छोटा यूरोपियम, उससे छोटा गैडोलिनियम, और सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा इनमें कौन है? टर्बियम। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? अरे आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा त्रिधनात्मक आयन है जिसमें सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होगी? तो अपनी कॉपी के अंदर देखो अनुचुंबकीय गुण, देखो इनमें से वो कौन सा त्रिधनात्मक आयन है जिसमें सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है? तो देखो कॉपी में देखो लैंथेनम प्लस थ्री, देखो मैंने लिखा हुआ है लैंथेनम प्लस थ्री लिखा है, यह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय? अरे बोलो, प्रतिचुंबकीय। लुटीशियम प्लस थ्री, देखो क्या लिखा है, प्रतिचुंबकीय। तो ये दो तो प्रतिचुंबकीय हो गए। अब इन दोनों में से मुझे सोचना है कि किसमें कौन, किसमें अनुचुंबकीय गुण ज्यादा होंगे, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब प्रेसिमोडीमियम प्लस थ्री में और नियोडीमियम प्लस थ्री में आप खुद ही देखें किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। कॉपी में देखें प्रेसिमोडीमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो लिखा है ना आपको, देखो प्रेसिमोडीमियम का कॉन्फ़िगरेशन, देखो देखो प्रेसिमोडीमियम क्या है, इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या रह गया विन्यास? हाँ भाई, प्रेसिमोडीमियम का एटॉमिक नंबर बताओ पहले, प्रेसिमोडीमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 59। यही देख रही है ना तू? अरे हाँ या ना, तूने कौन सा देख लिया? तो पीआर देखना, प्रेसिमोडीमियम वापिस देख 59 नंबर पे, 59 नंबर पे देख, लिखा ही नहीं क्या घर जाके? मैंने कहा था ना लिखना। अब देख वापिस देख, जीनॉन 54, 6s2 56, और ये होता है 4f3 59। प्रेसिमोडीमियम प्लस थ्री का मतलब तीन चले गए, f2 का मतलब इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। नियोडीमियम देख सिर पर 9 दिए, नियोडीमियम का एटॉमिक नंबर लिखा होगा 60, देख अपनी कॉपी में। जीनॉन 54, 256 और 460 है या नहीं? कितने निकालने? तीन, दो 6s में से एक f4 की जगह रह गया f3। अब f3 में तो तीन अयुग्मित है जबकि f2 में दो अयुग्मित है। अब तुम्हें पता है जितने ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर उतने ज्यादा अनुचुंबकीय गुण होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? नियोडीमियम प्लस। अरे समझ में आया नहीं है? अगला क्वेश्चन खुद ही बताओ, अभी हाल में ACF में निम्नलिखित लैंथेनाइड में वो कौन सा लैंथेनाइड है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और साथ ही साथ
गुड एनालिटिकल एजेंट है, मतलब आपको बताना है इनमें से वो कौन सा लैंथेनाइड श्रेणी की मेटल है जो प्लस थ्री के अलावा प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाती है और साथ ही साथ वो गुड एनालिटिकल एजेंट भी है, मतलब उसका मतलब अच्छा ऑक्सीकारक का काम भी करता है। तो आप सबको कॉपी में देखो दो लिखा रखे हैं, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे याद कराया था, CTBT याद कराया था, सीरियम और टर्बियम इनमें प्लस तीन के अलावा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, प्लस फोर। इसीलिए लैंथेनाइड सीरीज में जो सीरियम है ये आपका ऐसा है जिसमें प्लस तीन के अलावा प्लस चार ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी और साथ ही साथ गुड एनालिटिकल एजेंट है। आगे समझ, अगला क्वेश्चन खुद बताओ। अब आपको रटा हुआ होना चाहिए बेटा, लैंथेनम जो है ना इसका परमाणु क्रमांक होता है 57। कॉपी भी देखो फटाफट, लैंथेनम 57 है या नहीं। प्रेसिमोडीमियम अब रट जाना चाहिए, प्रेस वाले का नंबर है 59, ठीक है। टर्बियम तो अब इतनी बार आ गया, टीबी का नंबर है 65, 65 नंबर की टीबी। समेरियम बताओ, समेरियम कॉपी में देख के कितना नंबर है, 62, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 62। अब बेटा खुद ही बता, इधर बोर्ड पे देखिए किसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है, 57 का Na+3, Na+3 को बोलते हैं लैंथेनम, तो सबसे कम परमाणु क्रमांक लैंथेनम का है। जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है उसकी साइज सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे बड़ा तो इनमें कौन होगा, लैंथेनम प्लस थ्री ये वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, टीबी को बोलता है टर्बियम। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है उसकी साइज सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटा टर्बियम, टर्बियम यानी ये दो तो वैसे गलत हो, सबसे छोटा टर्बियम, उससे बड़ा समेरियम, उससे बड़ा प्रेसिमोडीमियम और सबसे बड़ा कौन होगा, लैंथेनम। अरे समझ में आ गया, कौन सा मैंने कहा आपको, लैंथेनाइड संकुचन बता रखा है कि परमाणु क्रमांक 57 से लैंथेनम प्लस थ्री से लुटीशियम प्लस थ्री तक परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है, इसी संकुचन को कौन सा संकुचन कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अरे समझ में आया नहीं आया, अगला क्वेश्चन बता, आप तो इसका आंसर तो बता बेटा। निम्नलिखित में से वो कौन सी धातु है जिसमें 95%, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी धातु लगभग 95% मिश मेटल में पाई जाती है, मिश मेटल जो हमने बनाई थी उसमें 95% कौन सी मेटल मिलती है, लैंथेनॉइड्स, और 5% क्या मिलता है, आयरन। अगला क्वेश्चन बताओ, इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो लैंथेनाइड संकुचन के कारण जिसका आकार लगभग समान नहीं है, तो जब देखो कॉपी में मैंने लिखा रखे हैं, लैंथेनाइड संकुचन के कारण जर्केनियम और हेफनियम बराबर है, याद करो टी जरा हाफ, याद करो वो नबाब था, नायोबियम और टेंटेलम आपस में सब बराबर है, याद करो कॉमा में वो, याद करो मॉलिब्लेडेनम और टंगस्टन की साइज आपस में बराबर है, कौन आपस में बराबर नहीं है, इट्रियम और आगे समझो। अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन से आयन हैं जो प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेंगे, तो मैंने आपको दो बातें लिखाई थी, वापस ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, फटाफट देखो कॉपी में, ऑक्सीकरण अवस्था लिखाई है, एफ ब्लॉक के तत्वों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस तीन, सीरियम और टर्बियम में प्लस तीन के अलावा प्लस चार, यूरोपियम और इटर्बियम में प्लस तीन के अलावा प्लस दो, लेकिन प्लस तीन प्लस चार और प्लस टू से ज्यादा स्टेबल होती है, सीरियम प्लस फोर से प्लस थ्री में कन्वर्ट होता है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है वो अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, और कॉपी में लिखा रखा है सीरियम और टर्बियम दोनों किसका काम करते हैं, ऑक्सीकारक का काम करते हैं, और देखो यूरोपियम और इटर्बियम किसका काम करते हैं, अपचायक का, अपचायक जिसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और ऑक्सीकारक वो होता है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। मिश्र धातु, वापिस वही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में, जो मिश्र मेटल्स होती है उसमें 95% कौन सी धातु होती है, तब तो आपको अच्छे से रट गया होगा कि जो हमारी मिश मेटल होती है उसमें 95% तो लैंथेनाइड्स की मेटल है और 5% इसमें क्या होता है, आयरन होता है। अगला क्वेश्चन खुद ही देखें फटाफट, इनमें से वो कौन सा लैंथेनाइड है जिसका F14 विन्यास होता है,
देखो जरा F14 विन्यास, फटाफट फटाफट देखो, लैंथेनम प्लस 3, लैंथेनम 57, फटाफट देखो लैंथेनम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका विन्यास तो F0 रहेगा। सीरियम प्लस 4, कॉपी में देखो सीरियम का दिखा रखा है, नहीं लिखा रखा, 4 चले गए तो सीरियम का भी क्या रहेगा, प्लस 4। इटरबियम देखो 70 नंबर पे, 70 इटरबियम, इटरबियम इटरबियम प्लस 2 बनाता है, देखो इटरबियम, इटरबियम 70, बेटा पढ़ाई करो अच्छे से। जीनॉन 54, 6s2 और 4f14, इटरबियम प्लस 2 में F14 विन्यास है, और कॉपी में लिखाया भी है इटरबियम प्लस 2 प्रति चुंबकीय होता है, और जब शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए तो अलग से इटरबियम प्लस 2 भी लिखाया होगा, और उसका कारण यह है कि इसमें F14 विन्यास मिलता है। इटरबियम प्लस 2 और लुटीशियम प्लस 3, इन दोनों के अंदर कौन सा विन्यास मिलेगा, F14 विन्यास मिलेगा इटरबियम प्लस 2 और लुटीशियम प्लस 3 में। आगे समझिए अगला क्वेश्चन, टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं, टर्बियम का नंबर है 65, टीबी 65, अब तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए, पहले क्या लिख दोगे, जीनॉन कितना हो गया 54, फिर किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 6s2, 54 और दो कितना हो गया 56, टर्बियम में डी में नहीं जाता, 4f में कितने भरने पड़ेंगे 9, ताकि 56 और 9 कितना हो जाए 65, ऐसा ऑप्शन कोई है क्या, ये फर्स्ट में सही कर लेना, 4f9 6s2। आगे समझो अगला क्वेश्चन, RPSC फर्स्ट ग्रेड, यूरोपियम, यूरोपियम अब अच्छे से याद हो जाना चाहिए, यूरोपियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना है, 63, पहले क्या खींचोगे, जीनॉन, जीनॉन तक कितना हुआ 54, फिर कितना, किसका नंबर, 6s2, अब तक 56, अब कितने और भरूं मैं 4f में, ताकि 63 हो जाए 7, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, डी। आया समझ में, अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनम प्लस 3 से लुटीशियम प्लस 3 तक आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, गलत, लैंथेनम से लुटीशियम तक आयनिक त्रिज्या स्थिर रहती है, गलत, लैंथेनम से लुटीशियम तक सहसंयोजक त्रिज्या बढ़ती है, गलत, लैंथेनम से लुटीशियम तक आयनिक त्रिज्या में लगातार क्या आती है, कमी आती है, वही संकुचन क्या कहलाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जैसे हमने पढ़ा एक, जब अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे संकुल यौगिक, तो वहां हम ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, डीडी ट्रांजेक्शन, इसी तरीके से जो एफ ब्लॉक के त्रिधनात्मक आयन आते हैं उनमें रंगों का कारण क्या होता है कि इनमें कौन सा ट्रांजेक्शन पाया जाता है, एफएफ ट्रांजेक्शन। आपसे पूछे कि एफ ब्लॉक के धातु आयन रंग क्यों दर्शाते हैं, तो इनके अंदर कौन सा ट्रांजेक्शन मिलता है, एफएफ ट्रांजेक्शन। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3। अगला क्वेश्चन, अब ये खुद ही बता तू बेटा बबली, सीरियम का एटॉमिक नंबर अब रट जाना चाहिए बेटा 58, लैंथेनम का रट जाना चाहिए 57, प्रोमेथीमियम रट जाना चाहिए 61, इटरबियम रट जाना चाहिए 70, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, चार आयन दे देगा 57 से 71 के बीच के, और पूछेगा इनको साइज में अरेंज करें, तो जिसका परमाणु क्रमांक कम है, सबसे कम किसका है, Na+3 का, इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा तो Na+3 होना चाहिए, Na+3 देखो इन दोनों में सबसे बड़ा दे रखा है, तो ये दो तो गलत हो गए। जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है 70, उसकी साइज सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटा कौन होना चाहिए, Ytterbium+3, फिर आगे अपने आप अरेंज हो जाता है। आगे बेटा समझ में, अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीट किया है, रिपीट किया है एक ही क्वेश्चन को बार बार, और इस साल सेकंड ग्रेड 2022 में भी यही आया था, बस फर्क यह है आयन इधर उधर कर दिए, कभी कोई सा उठा लेता है, कभी कोई सा उठा लेता है, तो ये 14 की 14 आयन आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम नाम से बोल रहा है, डी भरा ही आएगा इसमें, डी में आएगा गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, अब देखो गैडोलिनियम होता है 64, गैडोलिनियम में याद रखो जी डी, डी डी आएगा इसमें, डी भरते हैं गैडोलिनियम, अब देखो डी वाला ये दो तो हो ही नहीं सकते,
डी वाला तो एक ही है, ये वाला तो आंसर यही होना है ना। और देख भी लेते हैं कैसे, गैडोलिनियम बस 54 6s2 हाँ 56 1 57 57 और 7 आगे समझो। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। अब देखिए लुटीशियम एफ ब्लॉक का तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 71। प्रोमेथीमियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक है 61। टीएम होता है थूलियम, देखो थूलियम लिखा होगा मैंने, कितना 69। लेकिन याद करो ये जो टेक्नीशियम है ना, ये टेक्नीशियम टीसी, ये एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का टेक्नीशियम, टेक्नीशियम एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, किसका है, डी ब्लॉक का तत्व है टेक्नीशियम। तो क्वेश्चन यही तो पूछा है इनमें से, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो एफ ब्लॉक का नहीं है, तो टेक्नीशियम। हाँ मंतक्रे, मंतक्रे मैंगनीज के नीचे आता है टेक्नीशियम, मंतक्रे मंतक्रे वाला आता है मंतक्रे, समझ में आ गई, मंतक्रे मंतक्रे बोरियम, मंतक्रे बोरियम ये टेक्नीशियम इस मैंगनीज सीरीज का है, ये मंतक्रे बोरियम इसमें आता है टेक्नीशियम, मैंगनीज जो सीरीज है ना डी ब्लॉक की मैंगनीज सीरीज उसमें आई है। तो टेक्नीशियम क्या है, टेक्नीशियम एफ ब्लॉक का नहीं है बल्कि किसका है, डी ब्लॉक का, ठीक है। अब अभी 5-2-3 मिनट बाद वापस से एक बार क्लास रोक के वापस चालू करूँगा ना बेटा। हाँ बुकलेट मिल जाएगी कल इसकी। ये क्या है जो एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है ना बेटा, ये तो मैं करा देता हूँ, और सेज जो बचे हुए हैं वो इसी के बेसिस पे होते हैं, वो आप करते हो, अटकते नहीं है। आज खूब हुआ।